धमतरी जिले में नगर निगम की टीम ने एक बार फिर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई की है। निगम अमला ने करीब 20 से 25 दुकानों में दबिश देकर भारी मात्रा में डिस्पोजल ग्लास और पानी पाउच को जब्त किया है। वही इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों से शहर के अधिकांश छोटे बड़े दुकानों में प्रतिबंधित डिस्पोजल ग्लास और पानी पाउच की बिक्री हो रही है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए नगर निगम अमला ने अभियान चलाकर दुकानों से डिस्पोज ग्लास और पानी पाउच को जब्त कर चालानी कार्रवाई की। देखिए, प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई है। जितने भी डिस्पोजल हैं और ऐसे जो सामग्री है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको लेकर के आज टीम जो है नगर निगम की टीम निकली है और ऐसे 20 से 25 से अधिक स्थान जो है उन पर कार्रवाई किए हैं। और जो शराब दुकान होते हैं जहाँ पे ज्यादा मात्रा में डिस्पोजल और सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते हैं, वहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसमें डिस्पोजल है और सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से चालान भी काट रहे हैं और समझाइश दे रहे हैं कि निवेदन करते हुए कि आप जो है फिर इसके बाद दोबारा ना बेचें।